बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ अयोध्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कुरान से 26 आयतों को हटाने की याचिका को लेकर अयोध्या के मुस्लिम समाज के लोग वसीम रिजवी से बेहद नाराज हैं। वसीम रिजवी के नज़दीकी रहे शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य और बहू बेगम मकबरा के मुतवल्ली अशफाक हुसैन जिया भी उनके विरोध में उतर आए। उन्होंने कहा वसीम रिजवी ने पाक कुरान के विरोध में याचिका दायर की है, इनका विरोध होना चाहिए। शहर के कोठा परचा गली में मुसलमानों ने जमकर वसीम रिजवी का विरोध प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी करके के नारे लगाए। मेरी एक आज उत्तर प्रदेश या बोर्ड से नियुक्त सारे मुतवल्लियों से एक अपील है, जहां पर वसीम रिजवी ने कुरान पाक की एक तरीके से बेइज्जती की है, उनकी मजम्मत करनी चाहिए, भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। आप लोग सब लोग मुख्यमंत्री को व बोर्ड को अपनी तरफ से लेटर बना के भेजिए, इनका विरोध करिए, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं रह गई है कि क्या मामला है। आप सब जानते हैं, पूरा मुल्क इस वक्त जान रहा है कि मुल्क में जिस तरह से बदअमनी पैदा करने की कोशिश किया है नालायक वसीम रिजवी ने, पूरा मुल्क इससे बेचैन और बेकरार है। और हम लोग हरगिज़ ये नहीं चाहते कि किसी के अमल से हमारे मुल्क में बदअमनी पैदा हो। मजहबी किताब कुरान मुकद्दस की शान में जो उसने बेअदबी किया है और तौहीन किया है, मुसलमान कतई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता।